हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नेम है माई ऑनलाइन मैथ। और आज थोड़ा सा हम नया सीख लेते हैं। क्या सीखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर रूम्स। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूम्स क्या है? देखिए, परफेक्ट स्क्वायर रूम क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। ठीक है, जैसे हमारे पास ये रूम नंबर ए है। ठीक है, इसमें रो कितनी है? 1। कॉलम कितना है? 1। मींस इसमें अगर हम स्टूडेंट्स बिठाएं तो एक ही स्टूडेंट बैठ सकता है। ठीक है, चलिए रूम नंबर बी में आइए। इसमें रो कितनी है? 2। कॉलम्स कितने हैं? वो भी 2 है। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं इसमें? 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, और रूम नंबर सी में कितनी रोज हैं? 3। एंड कॉलम्स कितने हैं? 3। कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं? 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें 4 बैठ सकते हैं, इसमें 1, इसमें कितने बैठ सकते हैं? 16। आपको नहीं लगता ये क्या है? सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। व्हाई? दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर। मीन्स आज हम परफेक्ट स्क्वायर रूम्स की बात करेंगे। मीन्स अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर रूम में बैठना है, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ही मिलेंगी। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आप मेरे को बता सकते हैं रूम नंबर ई में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं? ठीक है, देखिए ये पैटर्न देखिए, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इट मीन्स इसमें कितने बैठ सकते हैं? 5 का स्क्वायर, 25। तो ऑब्वियस है इसमें कितनी नंबर ऑफ रो होंगी। इसमें रो कितनी होंगी? 5। 1, 2, 3, 4, 5। एंड कॉलम्स कितने होंगे? वो भी 5 ही होंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसको आपने कंप्लीट कर लेना, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मीन्स 25 स्टूडेंट इसमें बैठ सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 9, हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हमको बोला गया कि आप परफेक्ट स्क्वायर रूम में बैठिए जाके। ठीक है, तो हम कौन से रूम में बैठेंगे? हम रूम नंबर सी में बैठेंगे। ठीक है, बिकॉज इसमें 9 स्टूडेंट्स हैं, मींस 3 रो 3 कॉलम्स। ठीक है, 3 स्टूडेंट यहां पर बैठ जाएंगे, 3 3, तो 9 हो गए। मींस ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है और आप सभी को सीट भी मिल चुकी है और कोई सीट यहां पर फ्री भी नहीं है। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएं 25। ठीक है, तो हम कौन से रूम में बैठेंगे? हम रूम नंबर ई में बैठेंगे। ठीक है, मींस 5 रो बन जाएंगी, 5 कॉलम्स। ठीक है, और कोई भी सीट है जो वो फ्री नहीं होगी। ठीक है, चलिए आते हैं मेन हमारे क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन कैसा पुट कर सकते हैं? मान लीजिए मैं आपको पूछता हूं कि हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 13। और आपको बोल दिया जाता है कि आप परफेक्ट स्क्वायर रूम में जाकर बैठिए। ठीक है, तो आप या जल्दी से जल्दी आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, 13 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर रूम में कैसे बैठ सकते हैं? ठीक है, बिकॉज इसमें 9 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, इसमें 16, 13, तो इनके बैठ भी ना आता है। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर रूम में हम नहीं बिठा सकते 13 स्टूडेंट्स को। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो चलिए आपके साथ ही साथ क्वेश्चन पुट करेंगे कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर रूम में बिठाना है, ठीक है, तो हम में से कुछ स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, फिर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकता है। मीन्स इसमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? लीस्ट नंबर, मैं बोल रहा हूँ लीस्ट नंबर। ठीक है, तो हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें भाई? 4। ठीक है, तो कितना रह जाएंगे? 9। फिर कौन से रूम में बैठ जाएंगे हम? सी नंबर रूम में। मींस 4 स्टूडेंट्स हैं जो वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने दे रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। या फिर आप बोलेंगे कि हमें कुछ स्टूडेंट्स और दे दीजिए, न्यू स्टूडेंट्स दे दीजिए। ठीक है, मींस इसमें से आप कुछ प्लस कर रहे हो, मीन्स 13 में आप कुछ प्लस कर रहे हो। ठीक है, तो हम क्या लीस्ट नंबर प्लस कर रहे हैं? कितना लीस्ट नंबर प्लस करना चाहेंगे हम? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लीस्ट नंबर प्लस करना है, तो हम कितना प्लस करेंगे? 3। मींस हमारे पास 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कौन से रूम में बैठ जाएंगे? डी नंबर रूम में। ठीक है, मींस हमारे पास 13 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, लेकिन अगर हम सी नंबर रूम में बैठना चाहते हैं तो हमारे पास 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हम रूम नंबर डी में बैठना चाहते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स कम हैं, हमें थ्री स्टूडेंट्स और डालने पड़ेंगे, उसके बाद हम रूम नंबर डी में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूम्स।
तो चलिए इनसे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करते हैं। जस्ट मैंने आपको बेस बताया है, ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर रूम्स हैं जो हम कैसे फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अ जर्नल विशिंग टू ड्रॉ अप हिज 64,019 मैन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर। ये इनको सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करना चाहता है, जैसे हमने किया था 13 को, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर रूम्स की तरह ही है, ठीक है। जैसे हमने 13 स्टूडेंट्स को अरेंज करना चाहा था परफेक्ट स्क्वायर रूम्स में, ठीक है। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा थे? 4 स्टूडेंट्स हमें बाहर निकालने पड़े थे। उसके बाद कितने स्टूडेंट्स रह गए थे? 9। उसके बाद हमने उनको परफेक्ट स्क्वायर रूम में बिठा दिया था, बिकॉज 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऐसे ही इनको एक परफेक्ट सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करना चाहता है, लेकिन इसके पास भी मैन एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा क्यों है? बिकॉज ये नंबर भी है जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जैसे इसने इनको अरेंज करना चाहा कि कौन सी फॉर्म में? सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसके कितने मैन हैं जो वो एक्स्ट्रा थे? 10 मैन एक्स्ट्रा थे, ठीक है। तो 10 मैन को इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब बाहर तो निकालना ही पड़ेगा वो, बिकॉज सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में इन्होंने अरेंज करना है, ठीक है। तो 10 मैन एक्स्ट्रा हैं, उनको इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन द फ्रंट रो, ठीक है। अब उसके बाद 10 मैन बाहर निकालने के बाद इन्होंने एक सॉलिड स्क्वायर फॉर्म किया, उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि फ्रंट रो में कितने मैन हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ऑब्वियस सी बात है कि कितने मैन इन्होंने अरेंज किए। नंबर ऑफ मैन अरेंज्ड इन सॉलिड स्क्वायर कितने अरेंज किए हैं? देखिए इसमें से 10 माइनस कर दीजिए। किसमें से? 64,019 में से 10 माइनस कर दीजिए, बिकॉज ये तो सॉलिड स्क्वायर में आएंगी नहीं, ठीक है। 10 मैन तो एक्स्ट्रा थे, वो हमने पहले ही बाहर निकाल दी, ठीक है। तो अब हमें पता है कि सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में कितने मैन हैं? 64,009, ठीक है। अब आपको पता है कि सॉलिड स्क्वायर कौन सा होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज होंगी इक्वल किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो हम लेटर ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो साथ ही साथ एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 13 स्टूडेंट्स थे, उसके बाद हमने 4 स्टूडेंट्स बाहर निकाले थे। कितने स्टूडेंट्स थे? 9। उनको हमने कैसे अरेंज किया था? ऐसे, मीन्स हमने 3 रोज बना दी थी, 3 कॉलम्स बना दिए थे। तो 9 स्टूडेंट्स हमने अरेंज कर दिए थे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें रोज कितनी हैं? 3, और कॉलम्स कितने हैं? वो भी 3। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास एक्स रो है, एक्स ही कॉलम है, तो टोटल मैन कितने होंगे? टोटल मैन है वो इक्वल होंगे किसके? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। देखिए अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स तो इक्वल ही हैं, इट मींस यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रो एक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स एक्स इज इक्वल टू टोटल मैन। टोटल मैन कितने अरेंज किए हैं हमने? ये वाले, ठीक है, 64,009, ठीक है। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64,009, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स वैसे भी सिंपल सी बात है कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर ये बन रहा है तो हमने अगर नंबर बताना कि कौन सा है तो वो क्या है? उसका स्क्वायर रूट ही होगा, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो मेथड थे, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको जो इजी लगता है वो अप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करूंगा, ठीक है। इसको मैं फाइंड करूंगा लॉन्ग डिवीजन से। चलिए दो दो नंबर्स के हमने पेयर बनाने थे, ये बना लिए, ठीक है। यहाँ पर सिंगल रहता तो रह जाए, ठीक है। चलिए 2 × 2 = 4 पे जाएंगे, यहाँ पर नंबर सेम होना चाहिए था, ठीक है। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हमने प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट पेयर नीचे आ जाएगा 240, ठीक है। उसके बाद इसका हमने डबल कर लेना है, 2 + 2 = 4, ठीक है। तो एक डिजिट हम और यहाँ पर फाइंड करेंगे, कौन सा आएगा अभी देख लेते हैं। 4 इसको देख लेते हैं 5 पे, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 + 2 = 22। चलिए एक और देख लेते हैं, 46 पे देख लेते हैं,
सिक्स सिक्स या 36, सिक्स फोर या 24 प्लस 3 27, तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो हम आएंगे यहाँ पर 5 पे, ठीक है। देखिए मैंने पहले बताया था यहाँ पर और यहाँ पर नंबर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 225, तो करिए इनकी माइनस, ये हमारे पास आ गया 5, 3 - 2, 1, तो नेक्स्ट पेयर नीचे आ जाएगा 09, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करना था, ओनली राइट डिजिट का डबल करना था, मींस यूनिट डिजिट का हमने डबल करना था। कैसे करेंगे, 45 में हम 5 प्लस कर लेंगे तो कितना हो गया 50, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखिए, एक डिजिट हम और फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 9 है तो 3 से बन सकता है ये 503 3 9 0 15, जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर भी 3 लिखिए, तो ये कितना आ गया 15 0 9, तो इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 253। इट मीन्स नंबर ऑफ रो कितनी है 253, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 253। इट मीन्स फ्रंट रो में कितने मैन हैं 253, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर हमें पूछ लें कि फ्रंट रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम बोलेंगे 3, वाई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं एक्स थे, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 253। इट मीन्स फ्रंट रो में कितने मैन होंगे, ठीक है, मैन, नंबर ऑफ मैन इन द फ्रंट रो, नंबर ऑफ मैन इन द फ्रंट रो इज इक्वल टू 253, ये आपका आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दिख जाए तो आपके माइंड में पहले तो यही आएगा कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो ये होता है 9999, ठीक है। बट साथ ही इन्होंने बोला है कि ये नंबर है जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर हमने माइंड में जो नंबर ले गए हैं 9999, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या है, पहले उसको चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद हम आंसर पे आएंगे, ठीक है। चलिए हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है 9999, ठीक है। बट अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, हमने ऐसा नंबर बताना है जो ग्रेटेस्ट भी हो, 4 डिजिट का भी हो, ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो, ठीक है। तो चलिए कैसे पता चलेगा, या तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए, ठीक है, या फिर इसका लॉन्ग डिवीजन लगा के देखिए। हम इस पे लॉन्ग डिवीजन हमने लगा कर देखी 9999 पे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दो 2-2 नंबर्स के पेयर बना लीजिए, यहाँ पर देखिए कितने पे जाएंगे हम 9 पे, 9 9 81। चलिए कितना हमारे यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, 9 - 1 8 9 - 8 1, तो यहाँ पे आप 99 ले आइए। चलिए उसके बाद इसका डबल करिए, इसका डबल कितना हमारे पास आ जाएगा 18। उसके बाद एक डिजिट हम और फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करें देखते हैं, 18 को हम फाइंड कर लेते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 7 7 49 8 7 56 + 4 60 7 + 6 13, ये तो बहुत ज़्यादा लेस है। आप देखिए इसको 9 पे, 9 9 81 9 8 72 + 8 89 + 8 70, जी हाँ जा सकते हैं, इससे आगे तो हम वैसे भी नहीं जा सकते 9 से आगे तो, ठीक है। तो कितना आया 1701, ठीक है। तो कितना आया सर रिमाइंडर 891, तो ये तो रिमाइंडर आ गया। अगर यहाँ पर रिमाइंडर आ गया इट मीन्स ये जो नंबर है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो ये एग्जैक्टली लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व हो जाता, ठीक है। इट मीन्स हमारा आंसर ये तो आ नहीं सकता, ठीक है। ये नंबर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। मीन्स 9999 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे लेस कोई और नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 9998 हो सकता है, 9996 हो सकता है, तो इतने नंबर तो हम चेक करने वाले नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो नंबर है 9999, ये लाई करता है बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर के, ठीक है। 100 का स्क्वायर ये वैसे नहीं है, बिकॉज 100 का स्क्वायर 5 डिजिट नंबर हो जाता है, ये 4 डिजिट का है, ठीक है, तो उससे लेस है, ठीक है। 99 का स्क्वायर ये इसीलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, अगर यहाँ पर 99 का स्क्वायर ये होता तो यहाँ पर रिमाइंडर नहीं आना था, रिमाइंडर 0 आ जाता, ठीक है। चलिए
इट मीन्स 9999 से लेस योर नंबर आएगा। ऑल्सो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बी हो वो क्या होगा, 99 का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो 99 का स्क्वायर होता है 9801, तो ये आपका आंसर आ गया। ये है जो वो ग्रेटेस्ट नंबर है, फोर डिजिट नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर प्लस परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 16, 18 and 45। देखिए लीस्ट नंबर जो होता है, ठीक है, जो किसी नंबर पे डिवाइड होता है वो क्या होता है, उनका एलसीएम होता है, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म हमारे पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो उन नंबर्स पे डिवाइड होगा, किन पे, जिनका ये एलसीएम है। ठीक है, तो अगर हम लीस्ट नंबर फाइंड करना चाहते हैं जो डिविजिबल हो किन पे, 16, 18 and 45 पे, ठीक है, तो आप पहले इनका एलसीएम निकालिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। चलिए, एलसीएम ऑफ 16, 18 and 45 ये हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम आप ऐसे फाइंड कर दीजिए। चलिए, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 702। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर है, देखिए ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है किनका, 16, 18 and 45 का, मींस ये सबसे छोटा नंबर है जो 16, 18 and 45 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बट हमें बोला गया था कि नंबर लीस्ट भी होना चाहिए, ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? पहले तो इसमें लास्ट में कितनी जीरो हैं, 1 0 है, तो मैंने पहले बताया था कि अगर नंबर ऑफ जीरो ऑड हो लास्ट पे तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है। इट मींस ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, ये डिविजिबल तो है इन पे, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये रही। ठीक है, यहां से क्लियर होता है कि 2 का पेयर कंप्लीट हो चुका है, यहां पर भी हो चुका है, 3 का भी हो चुका है, बट 5 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इट मींस एक 5 और अगर यहां पर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5 से। ठीक है, नाउ वी मल्टीप्लाई 720 बाय 5। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना रहे हैं। ठीक है, कितना आया, 0, 0, 75, 30 प्लस 36 है जो लीस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 16, 18 and 45। ये तीनों पे डिविजिबल भी होगा, ऑल्सो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 3600 आंसर। फाइंड द लीस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखिए जैसे ही आपको लीस्ट या ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर की बात करते हैं तो आपका लोअर क्लासेस से जो माइंड सेटअप बना हुआ है वैसे ही आपके माइंड में आ जाता है कि लीस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1000। ठीक है, बट 1000 है जो वो लीस्ट फोर डिजिट नंबर तो है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है ये भी आपको देखना है, बिकॉज हमने बताना है कि लीस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सही है कि आपका जो लीस्ट फोर डिजिट नंबर है वो हमारे पास है 1000। ठीक है, बट 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे लास्ट में भी कितनी जीरो है, 3। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी में डिस्कस करके आए हैं, अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड हो, ठीक है, तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, इट मींस 1000 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो देखिए 1000 वो तो हमारा आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, मीन्स जो नंबर आएगा यहाँ पर हमारे आंसर में
वो इससे ग्रेटर होगा, ठीक है, क्योंकि इससे लेस तो हम ले नहीं सकते, इससे लेस तो हमारे पास थ्री डिजिट नंबर आ जाएंगे, ठीक है, हमें चाहिए फोर डिजिट नंबर, ठीक है, तो नंबर इससे ग्रेटर होगा, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकता है। वो कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, इसकी लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं, 1000 की हमने लॉन्ग डिवीजन की, कैसे करेंगे, 2 2 के पेयर बना लीजिए, ऐसे इतने पे गए, 3 पे, 3 3 जा 9, कितना आया 1, तो यहाँ पर 2 0 आ गई, इसका डबल कर लीजिए कितना आया, 3 + 3 6, ठीक है। चलिए एक डिजिट और फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर कितने पे जाएंगे, 3 पे देख लेते हैं, ये तो ग्रेटर हो जाएगा, 2 पे देखिए 4 12, ये भी ग्रेटर है, 1 पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर भी 1 लिखा, तो कितना आया 61, ठीक है, तो कितना आया 10 - 1 9 9 - 6 3 39 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर तो आना ही था बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। चलिए हमें यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि 1000 नंबर है वो 31 के स्क्वायर से ग्रेटर है बट लेस है 32 के स्क्वायर से। क्यों 32 के स्क्वायर से क्यों लेस है, क्योंकि अगर ये 32 का स्क्वायर होता तो फिर यहाँ पर 2 पे जा सकते थे हम, लेकिन 2 पे नहीं जा पाए हम, तो कितना 1 2 4 बन रहा है, ठीक है। ऑल्सो ये 31 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 31 का स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 31 का स्क्वायर होता फिर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता, ठीक है। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि इससे लेस नंबर तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि इससे लेस नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है, हमने आंसर देना 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो कौन सा नंबर आ सकता है, 32 का स्क्वायर है जो, वो क्या होगा, लीस्ट 4 डिजिट नंबर होगा, यो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है, ठीक है। मीन्स 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024, सो दिस इज अ लीस्ट 4 डिजिट नंबर प्लस लीस्ट 4 डिजिट नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑल्सो, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर 1024। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।